दर्शकवृन्द नमस्ते। जत हम अखन छी एक पोखर छे गंगा सागर, अ पोखर के विषय में एक इतिहास है। इतिहास में कहल गेल छे मिथिला महात्म लगात जे विभिन्न मिथिला के संबंधित पुस्तक सब छे ओमे एक पुस्तक या ओहि पुस्तक सब में अइ पोखर के विशेष रूप से वर्णन कयल गेल छे। कहल गेल छे जे एकटा जे अर्थात मिथि सब जे पहले राजा रहथिन ओ राजा जनकपुर में एकटा यज्ञ के आयोजना कयलखिन और यज्ञ के आयोजना के क्रम में ऋषि मुनि सबके आमंत्रित कलखिन यज्ञ में और जो मेन पुरोहित रहथिन हुनका से आमंत्रित कलखिन जे आओ एठाम यज्ञ हमरा करा दिया। मुदा ओ ऋषि के इंद्र के सेहो ओठाम यज्ञ कराबा के लेल आमंत्रण कयल गेल रहे अर्थात ओ आमंत्रित रहथिन इंद्र ला। तब कलखिन जे मिथिला में तो हम बाद में जाके करा दे, पहले इंद्र ला जाय छी, इंद्र के हम यज्ञ करा दे छी। ओ अहाँ के इंद्र के ओठाम यज्ञ कराबे लगलखिन और अठाम लेट भ गेलै अर्थात कम समय भेटलै। तो मिथिला के राजा कहलखिन जे भ सकिए ओ ऋषि के दोसर काज भ सकिए तऽ हम सब अठाम दोसरे पुरोहित के मंगा कर दोसरे ऋषि के मंगा कर यज्ञ करा लै छी। तो ओ मंगा कर यज्ञ करा लेलखिन और जखन ओ ऋषि एलखिन यज्ञ कराबे के लेल मिथिला में तो देखलखिन जे यज्ञ तो संपन्न भ गेल छै, हुनका ई बुझलै जे हमरा अपमान कयल गेल और जखन हुनका ई महसूस भेलै जे अपमान कयल गेल तो दरबार में गेलखिन और राजा के कहलखिन जे अहाँ हार और मांस विहीन भ जायब, श्राप दऽ देलखिन आक्रोश के बीच में। तकर बाद एकटा अवस्था ई एलै जे मिथिला में या अर्थात ई भूभाग में एकटा राजा विहीनता के अवस्था में हाहाकार के अवस्था एलै। तखन ऋषि सबके कहलखिन जे राजा नहि छै, राजा के अहाँ श्राप दऽ देलियै और ई धरा पर अर्थात ई पृथ्वी पर जे मिथिला क्षेत्र छै ओहि पर एकटा अराजकता के अवस्था छै राजा विहीनता के, तऽ एकर उपाय की? किया तऽ राजा के हुनका संतानो नहि रहै जे ओहि संतान के राजा बनायल जाय। तो ऋषि एकटा सुझाव देलखिन जे राजा के जे शरीर के हार और मांस छै ओकरा एक जगह एकत्र कयल जाय और सारा तीर्थ के जल ओहिठाम लऽ कऽ ओकरा मंथन करतै वैदिक मंत्र द्वारा, तो ओ मंथन के बाद संतान के उत्पत्ति भेलै हेतै। तकर बाद सारा के सारा तीर्थ के अहि गंगा सागर में तीर्थ के जल लायल गेलै, ओ राजा के जे मृत शरीर रहै ओकरा राखल गेलै आ ओ शरीर के मंथन कयल गेलै और ओ मंथन कयला के बाद एकटा मिथिला में तेजस्वी शासक के जन्म भेलै जकर नाम रहै मिथि और ओहे मिथि के नाम पर इस संपूर्ण भूभाग के नाम पर ले मिथिला। तो इस एकटा सभ्यता के केंद्र छै गंगा सागर। आई शायद आई हम सब देखब जे किछ युवा अज्ञानी सब 11-12 वर्ष पहिने ई जे पूरा के पूरा ई पोखर फोहर रहै, दुर्गंधित रहै, जतऽ ततऽ अहाँ के एकर पानी निकास नहि, स्नान करे के अवस्था में नहि रहै। तो एहिठाम संपूर्ण क्षेत्र के जनकपुर के किछ क्रियाशील युवा पत्रकार प्रहरी सेना सबके मिलाकर एहिठाम ई पोखर के सफाई कयल गेलै और पोखर के सफाई कयला के बाद में तो एकरा पर्यटन संगे केना जोड़ल जाए, तो एहिठाम एकटा शुरुआत कयल गेलै गंगा आरती, महागंगा आरती, जे जेना गर्मी के समय में 7:15 से होइ छै और जाड़ के समय में 6:15 से गंगा आरती होइ छै। बहुत रास जे श्रद्धालु सब अबै छै जनकपुर में से सब श्रद्धालु सब एहि गंगा आरती में सहभागी होइ छै। तो आइ हम सब अपने सबके सेहो लऽ चलब गंगा आरती में, हमरा संगे चलू गंगा आरती।
जना एक हम गंगा आरती होइ छै, हम सब अपने के जे ई गंगा सागर पोखर के इतिहास बतैली जे केना ई मिथिला सभ्यता के उद्गम स्थल छै, एहिठाम से केना मिथिला सभ्यता के शुरुआत भेल छै, जे विभिन्न मिथिला के महात्म लगायत ग्रंथ सब में उल्लेख छै। एकर एहि गंगा आरती के शुरुआत करय वाला मध्य एक राम आशीष यादव छथि, प्रदेश सभा के सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, पत्रकारिता पेशा में सेहो लम्बा समय हुनकर अनुभव, और तकर बाद एकटा पर्यटन संगे जोड़ के जे पर्यटन किएक तऽ पेशा मात्रे हमसब अहाँ सब एकटा आवाज उठबै छी, ओकरा एकटा कार्बन के तह में लजाय वाला व्यक्ति मध्य सेहो छथि राम आशीष यादव, हुनका संगे बात करब। सबसे तो पहले राम आशीष जी, शुरुआत केना केलिए? 2070 साल फागुन 11 गते हमसब जे है से गंगा सागर सफाई अभियान शुरू केलिए। गंगा सागर के पोखर के अवस्था बहुत दुरा रहे, दुर्गंधित रहे भ गेल, लेकिन हमसब शुरुआत के लिए सौभाग्य से हम जे है से पत्रकारिता करी उस समय में, और हमरा नेतृत्व करे के सौभाग्य मिलल, और जब सफाई भ गेले तब मन में आयल जे हरिद्वार और बनारस में गंगा आरती के शुभारम्भ केला होते भेल कि जल के बचाव के लिए और संस्कृति के रक्षा के लिए, तो वही से हम सब प्रेरित भक हम सब अहूठम जैसे गंगा आरती शुरुआत करी तो केहन रहते, संजोग बढ़िया रहे जे बनारस के लोग सब मित्रता भेल, और ओहिठमन जैसे हम सब बनारस के पुजारी तत्काल लाइव के ओहिठमन जैसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम कैली, और 2071 साल जेठ 25 के तेसर दैनिक महागंगा आरती ए गंगा सागर पर हम सब शुरू कैली। ए हिसाब से कर जे से इके बात कर जाना, जना बाहर सब पर्यटक सब अबै छै, कते पर्यटक रोज अबैत हेथिन एठा? हमरा बुझे जनकपुर में पर्यटक के संख्या, धार्मिक पर्यटक के संख्या बहुत बढ़ल है, और खास करके भारतीय पर्यटक बहुत बेसी छै, अत्यधिक कहल जाए। अब एठमन तो देखै छी जे गंगा आरती के हम सब चर्चा करी तो रोज जे है से अहाँ के 700 से 800 से 1000 1200 के अहाँ के संख्या में धार्मिक पर्यटक रहै छै, जाहिमे से 90% अहाँ के भारतीय रहै छै, और मात्र गंगा आरती में नहीं, जनकपुरो में जे है से धार्मिक पर्यटक के संख्या अपने के बढ़ल है। सुबह से लग कर शाम तक लग पर्यटक जे है से जनकपुर के महत्वपूर्ण धार्मिक धरोहर सबके विजिट रहै छै, करैत सब दर्शन करैत रहै छै, ताहि मध्य गंगा सागर सेहो। एकटा बात, जेना साँझ में कला के बाद में इससे पहले एकटा उपराग छलै होटल व्यवसाय सबके होइत, जे लोग सब जे पर्यटक अबै छथि ओ राति में नहीं रह चाहै छथिन, चलि गेलै घूर के दर्शन करे चलि गेलै, लेकिन अधिकांश जे गंगा आरती देखते ओ राति में रहै छै, तऽ ई रह के बसाई लंबियाबै में कते सफल भेल छै? अब गंगा आरती के सबसे बड़का खुशबुए ये है जे गंगा आरती जहिया शुरुआत भेले लमसम अब 10 बरस फैल जाए छे, तो आम पर्यटक जे है से गंगा आरती भी देखी कही का सुबह में जानकी माता के दर्शन करे छथिन, और साँझ में गंगा आरती देख के लेल रात में विश्राम करे छे, तो ये पर्यटन व्यवसायी सबके लिए, होटल व्यवसायी सबके लिए एकटा लाभ के छे, और इससे जे है से प्रदेश के और एठमन के GDP भी बढ़ते, समृद्धि के लिए गंगा आरती एकटा सेहो बढ़िया काज कर रहा है। बात कर जाना, जना चलबै छी अपने सबके तऽ आर्थिक समस्या आबैत हैत, तऽ आर्थिक उपार्जन या आर्थिक जे स्रोत व्यवस्थापन केना करै छी? बहुत महत्वपूर्ण बात पूछली है। अब सेवी शुल्क जनकपुर एकटा संस्था अछि, एकटा ट्रस्ट जकाँ छी, और एहिठाम
एहिठमन जे है से गंगा आरती में सहयोग के बात करी तो जे चढ़ावा जे चढ़े छे डोनेशन बॉक्स में जे पर्यटक सब जे है से जे अपने के दान केलक वो अपने के सीधे बैंक में जाए छे और वही तहत एहिठमन पंडित के जे है से सब काम चेक से होइ छे माने गंगा आरती संचालन प्रसाद सामग्री से ल क आ पुजारी के व्यवस्थापन से ल क संपूर्ण खर्च जे है से डोनेशन बॉक्स से होइ छे और एकर जे टीम जे छे अखन नया टीम जे आयल छे वो टीम अपने के व्यवस्थापन करे खर्च होइत हेतै प्रत्येक महीना अब हमरा बुझाय जे साल के हमरा सब के जे से निकालने छी त वार्षिक अपने के जे है से 12-13 लाख के टर्नओवर है 12-13 लाख रुपया खर्च हो और जे यहाँ के श्रद्धालु सब श्रद्धालु के हिसाब से अपने के चले छे और कोनो कोनो महीना समस्या भेल ई टीम जे में के छे तो वो टीम भी बहुत भार अपना पर ले छे चलो धन्यवाद चलो बहुत बहुत गंगा जमुना सरस्वतीया सप्त सिंधु के पावन।